क्लास फाइव होली चाइल्ड स्कूल चैप्टर सेवन एक्सरसाइज नंबर फाइव क्वेश्चन वन फिल इन द ब्लैंक्स फाइव बाय सेवन प्लस जीरो जीरो का हम किसी के भी साथ ऐड करेंगे सेम वही नंबर मिलेगा हमको चाहे फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी हो तो ये हमारा फाइव बाय सेवन ही होगा। ट्वेल्व बाय सेवनटीन प्लस एट बाय फिफ्टीन इज इक्वल टू एट बाय फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व बाय सेवनटीन। एडिशन में अगर नंबर आगे पीछे होता है तो कोई बात नहीं होता है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, 12 बाय 17 प्लस 8 बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू 8 बाई 15 प्लस 12 बाई 17। 3 बाई 13 माइनस 0, 0 से माइनस करने माइनस से प्लस करेंगे तो सेम वही हमारा फ्रैक्शन या नंबर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू बहुत ध्यान से आप इसको समझोगे, बार बार आप देखोगे वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ में आए। और ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ये थोड़े बड़े क्लास का प्रोसेस है और अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये जितने अभी छोटे से सीख जाओगे आप उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो एक में दो नंबर का बताऊंगा, एक तीन नंबर का बताऊंगा और सेम यही प्रोसेस आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर टू का मैं पहला बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर टू का ए प्लस 1 1 बाय 4। सो फर्स्ट स्टेप विल बी चेंज दिस मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। 3 3 9 प्लस 2 11 बाय 3। इसमें कोई प्रोसेस करके नहीं, जैसे मैं दिखा रहा हूं सेम टू सेम प्रोसेस आप फॉलो करोगे। 4 1 4 प्लस 1 5 बाय 4। तो ये हमारा पहला स्टेप। ठीक है, इसके बाद हमको ये डिनोमिनेटर्स जो है 3 और 4 इनका एलसीएम निकालना है हमको। तो लिखोगे आप एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इक्वल्स टू, इसके नीचे आप एलसीएम निकालोगे 3 4। 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 नहीं होगा, सेम टू सेम लिखेंगे। एलसीएम आपको पहले भी सिखा चुके हैं, आप कर चुके हो आप 3 1 जा एलसीएम आगे 2 2 जा 4 3 जा 12। So, 12 इज आवर एलसीएम। ठीक है, अब जो एलसीएम आएगा उसको थोड़ा बड़ा दाग मार के उसको लिखोगे नीचे। ठीक है, 12 हमारा एलसीएम आया है। अब ध्यान देने वाली बात है, अब ये जो 12 एलसीएम आया, जो क्वेश्चन हमारा उसका जो डिनोमिनेटर है उससे आप डिवाइड करोगे। तो 12 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 आएगा। कितना? 3 4 12 होता है। अब ये जो 4 आया क्वेश्चन उसको आप ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर क्या है 11, सो 3 4 12 है तो 4 × 11। ठीक उसी तरीके से आप 12 को दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 4 3 3 आया, 3 का आप ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो 3 × 5 डन। इसके बाद का स्टेप मल्टीप्लाई 4 × 11 44 प्लस 3 5 15 बाय 12। तो 44 प्लस 15 कितना आया भाई? 44 प्लस 15 59 बाय 12। अब क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स में लिखेंगे, अगर यही आंसर दिया तो छोड़ दोगे आप, नहीं तो इम्प्रॉपर को हमको मिक्स में लिखना पड़ता है। 12 4 48 12 5 60 12 4 48 48, तो 11 आएगा। यह हमारा फाइनल आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर टू का ई वाला बता रहा हूं मैं, 3 है, 2 हो 3 हो 4 हो सब एक ही प्रोसेस है। अच्छा ध्यान रखना, जिसके नीचे कुछ नहीं हो उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, जैसे एफ में आपका 3 के नीचे कुछ नहीं 1 है, 10 यहां पर 3 का ए जो है इसमें नीचे कुछ नहीं 1 है, तो इसमें मिक्स में तो है नहीं है, तो डायरेक्टली हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 11 5 55। तो स्टार्ट करेंगे हम 11 5 55। 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 1 जा 5 11 जा बस 11 1 जा 1 जा 1 जा 5 11 जा 55 हमारा एलसीएम आ गया।
ठीक है, एक लंबा लाइन खींचेंगे हम, कितना है एलसीएम 55, इसको लिख देंगे हम नीचे। अब एक एक करके 55 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 फाइव जो 55 होता है 5 इंटू 3, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 3, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, अगेन 55 को हम 5 से करेंगे डिवाइड, 5 11 जा 11 इंटू 2, प्लस। अच्छा, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो एलसीएम का, एलसीएम और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो कुछ नहीं करना आपको, सेम टू सेम जो ऊपर है उसको लिख देना आपको, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर एलसीएम के सेम हो। अब इंटू कर देंगे, 5 3 जा 15, 11 2 जा 22, और ये रहा हमारा 4 बाय 55। ऐड करेंगे हम 5 6 7 4 11 2 3 4 41, 41 बाय 55 हमारा आंसर है, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कुछ नहीं करना आपको। तो नंबर 3 भी वही प्रोसेस करोगे, एलसीएम लेना है, जहां मिक्स फ्रैक्शन में उसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, फिर एलसीएम लोगे और यही प्रोसेस करोगे, खाली प्लस के जगह माइनस होगा। सो क्वेश्चन 2, 3 ऑल द पार्ट्स इज योर होमवर्क, ध्यान से करना, सफाई से करना बेटा, और पूरा एलसीएम वगैरह जैसे हमने शो किया है वैसे ही पूरा शो करना।